खबर के प्रायोजक है महादेव मार्बल एंड ग्रेनाइट। प्रोजगु दादा राजस्थान वाले। 11 वर्षों से सुल्तानपुर की बड़ी बिल्डिंगों पर राज करने वाले महादेव मार्बल एंड ग्रेनाइट। मार्बल ग्रेनाइट की हर तरह की डिजाइन में वैरायटी उपलब्ध करें उचित रेट पर। पता महार चौराहा लखनऊ रोड सुल्तानपुर। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। खबर है यूपी के आजमगढ़ से। यूपी के आजमगढ़ में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ एक बेटे ने अपने माता पिता अपनी बहन को हमेशा के लिए सुला दिया। आपको हम बता दें कि मामूली बात से लेकर बेटे ने इस घटना को अंजाम दिया है। यूपी के आजमगढ़ में रविवार तड़ाके 3 बजे डांट फटकार से नाराज एक युवक ने सोते वक्त कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। दौड़ा दौड़ा कर तीनों को कुल्हाड़ी से हमला किया है। पिता का शव बरामदे में माँ का दरवाजे के पास और बहन की बगल में खेत में मिला है। इससे माना यह जा रहा कि पहले बेटे ने पिता को मारा होगा, फिर बचाने आ रही माँ के दरवाजे के पास ही मार दिया, फिर बहन दौड़ी होगी तो उसे दौड़ाते हुए खेत में ले जाकर मारा है। वारदात के बाद आरोपी बेटा मौके से फरार है। आपको हम बता दें कि सुबह गांव वाले जब घूमने निकले तो तीनों के शव पड़े देखे। उन्होंने तुरंत इसके सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही आईजी अखिलेश कुमार, एसपी अनुराग यार कई थानों की फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वारदात कामतागंज के धंधारी गाँव की बताई जा रही है। आपको हम बता दें कि पड़ोसियों का कहना है कि आरोपी युवक का नाम राजन सिंह है, जिसकी उम्र 20 साल है। उसने शनिवार को घर से एक बोरी गेहूं चोरी कर ली थी। जब इसकी जानकारी उनके माता पिता को लगी तो उन्होंने राजन को फटकार लगाई। इससे नाराज होकर राजन ने इस घटना को, इस वारदात को अंजाम दिया है। आपको हम बता दें कि घटना के बारे में पड़ोसी अनुराग सिंह ने बताया कि अपने परिजनों से नाराज राजन ने तड़ाके 3 बजे बरामदे में तखत पर सो रहे पिता के सिर गर्दन और पर कुल्हाड़ी से हमला किया होगा। इसके बाद जब माँ जाग गई तो माँ जाकर दरवाजे पर जैसे आई होगी उन पर भी ये हमला किया होगा। आपको बता दें कि इसमें माँ की भी मौत हो गई। माता पिता चीख पुकार सुनकर बहन दौड़ी होगी थी, उसने भी बहन पर हमला किया है। पिता का शव बरामदे में तखट पर और मां का शव दरवाजे के पास मिला, जबकि बहन का शव बाजारे के बगल में खेत में मिला है। आपको हम बता दें कि एसपी अनुराग आर ने बताया कि घटना को भानु प्रताप, उनकी पत्नी सुनीता देवी और उनकी बेटी राशि सिंह 12 साल जिनकी उम्र है, उनकी मृत्यु हो चुकी है। भानु प्रताप की एक बेटी रानी सिंह है, 15 साल उसकी उम्र है। वारदात के वक्त मौजूद नहीं थी, वह अपने बड़े पापा के यहाँ गई हुई थी, इसलिए वह बच गई। भानु प्रताप गाँव में ही रहकर खेती बाड़ी करते हैं और घटने में जाँच की जा रही है। मौके पर डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम जांच में जुट गई है। आपको हम बता दें कि एसपी ने बताया कि घटना को लेकर गांव में लोगों में बताई गई तरह तरह की चर्चाएं सामने आ रही है। ऐसे में वारदात को खुलासे के लिए एसपी ग्रामीण के नेतृत्व में 2 टीमों का गठन किया गया है। इसके साथ ही फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए सर्विलांस एसओजी 2 CO सहित टीम गठन को कर दिया गया है। बहुत ही जल्द फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो वहीं अब परिवार में सिर्फ बेटी रानी सिंह बची है, जो कि राजन सिंह की बड़ी बहन है। वह आजमगढ़ शहर के अपने बड़े पिता के यहाँ शादी में तैयारियाँ करने देखने गई थी। घटना की जानकारी मिलते घर पर पहुंची, रो रोकर उसका बुरा हाल है। मृतक भानु प्रताप के 2 भाई और उदय भवन सिंह भूपत सिंह हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भोलू जहांगीर। थाना कप्तानगंज अंतर्गत धंधारी गांव में आज सुबह सूचना मिली कि राजन सिंह उम्र 20 वर्ष के द्वारा अपने पिता श्री भानु प्रताप सिंह, माता श्रीमती सुनीता सिंह और 13 वर्षीय बहन की कुल्हाड़ी से हमला करके हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर तत्काल SHO, CO, एडिशनल SPRA मेरे निरीक्षण किया गया है। IG सर आजमगढ़ परिक्षेत्र द्वारा भी घटना से निरीक्षण किया गया है। फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड को मौके पर बुलाया गया है। इनके द्वारा एविडेंस कलेक्शन पूरा किया जा रहा है। अभियुक्त वर्तमान में फरार है, जिसका नाम है राजन सिंह, उम्र लगभग 20 वर्ष है। इसके द्वारा अपने पिता, माता और बहन की हत्या की गई है। विस्तृत घटना की जानकारी, घटना के कारणों की जानकारी और इन्वेस्टिगेशन के लिए एडिशनल SPRA के नेतृत्व में 2 टीमों का गठन किया गया है। जो फरार अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी के लिए 3 टीमों का गठन किया गया है, जिसमें SOG सर्विलांस को भी शामिल किया गया है, 2 CO को शामिल किया गया है। बहुत ही जल्दी अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित करते हुए कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जो डेड बॉडीज है उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और कठोर कार्रवाई हम लोग इसमें इंश्योर करेंगे। उनकी चोरी या गेहूं की बेचने के ऐसा लगते नहीं कुछ किया ऐसा कुछ सर? ये गाँव के कुछ लोगों के द्वारा कई तरह की बातें बताई गई है, उनसे हमारे द्वारा विस्तृत रूप से बातचीत की जाएगी, पूछताछ की जाएगी और क्या कारण रहे कि इसके द्वारा अपने पिता, माता और बहन की हत्या की गई, इसके संबंध में। इसीलिए मैंने आपको बताया कि 2 टीमों का गठन इसी चीज के लिए किया गया है, जो इन्वेस्टिगेशन के लिए और ये जानकारी करने के लिए कि घटना किन कारणों से हुई, किस प्रकार से हुई, ये विस्तृत जानकारी करने के लिए।
सुल्तानपुर से जुड़ी रोजाना वीडियो देखने के लिए अपना सुल्तानपुर चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप यह वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। अगर आप यह वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका हमारे लिए कोई सुझाव हो तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।